ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बन चुका है। जी हाँ, जैसे कि शहर के लोग काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। वहीं पर आपको बता दें कि डीएम सविन बंसल शहर में सुगम यातायात व्यवस्था और जाम से निजात दिलाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए डीएम बंसल ने ये कहा है कि ट्रैफिक एक बड़ी चुनौती है जिसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए शहर में पार्किंग के नए स्थल चिन्हित किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों को कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की खास रिपोर्ट। देखिए, इसमें कई फ्रंट पे काम किया जा रहा है। एक तो हमारे हार्ट ऑफ द सिटी में जब पार्किंग्स नहीं थी तो तीन जगह पार्किंग्स निकाली गई हैं, काबुल हाउस और दो ऑटोमेटेड पार्किंग्स इन द कोर ऑफ द सिटी एरिया। सो उससे वी विल हैव अबाउट 700 to 800 व्हीकल स्पेसेस, तो उस पर कार्य ऑलरेडी गतिमान है। सेकेंडली, जो हमारा ISBT वाला जोन है जो काफ़ी कंजेस्टेड रहता है और वहाँ पे ट्रेवलर्स को बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं आवागमन करने में, उसके लिए भी एक माइक्रो प्लान तैयार किया गया है कि हम ओवर जो हमारा फ्लाईओवर है उसमें कैसे हमारे MBA एक्ट के प्रावधानों को यूज़ करके जो हमारा कारगी रोड की तरफ टर्न है उसमें इनेबल कर दें, कुछ उसमें डिवाइडर बनाकर छोटे वाहनों के लिए मल्टीपल डायरेक्शंस में खोल दिया जाए तो उससे ईज आउट होगा। ISBT के दोनों गेट्स खुलवा दिए गए हैं जो पहले एक ही गेट से संचालित हो रहा था। सेकेंडली, जो कैचमेंट से पैसेंजर्स को ISBT तक पहुंचाते हैं हमारे छोटे वाहन और कुछ अनऑथराइज बसेस जो स्टॉप ओवर वहाँ पे करते हैं आउटसाइड ISBT, तो उनके ऊपर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जा रही है बाय अवर RTO एंड ट्रैफिक पुलिस। उनको सीज किया जा रहा है, लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए रिकमेंड किया जा रहा है। यही इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए ट्रैफिक लाइट्स को एनहांस किया जा रहा है, जो हमारे कैमराज हैं पुलिस के और स्मार्ट सिटी के, उनको इंटीग्रेट करने के लिए निर्देश किया गया है। जैसे जैसे सुझाव आते रहेंगे उन पर कंटिन्यूअसली कार्य किया जाता रहेगा।